गुर्दों के मरीजों और डायलिसिस पेशेंट्स के लिए खुशखबरी, बीवेल हर्बल हेल्थ केयर GMP अप्रूव और ISO सर्टिफाइड, 100% हर्बल, नो साइड इफेक्ट। दर्द फालिज के अलावा दिगर अमराज का मुकम्मल और जनाना मरीजों के लिए अलायदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सोशल वर्कर सफिया माही, NGO नारी निकेतन प्रेसिडेंट। आज हम लोग को गोलकुंडा PS लिमिट के एरिया से एक फ़ोन आया 10:30-11 बजे के बीच के। एक बड़ी भी यहां पर खुदकुशी करने जा रहे थे और वहां के कुछ लोग पकड़ के, मुकामी लोग उनको पकड़ के रखे और हमको फ़ोन करने पर हमारी टीम में जो हैदर मेहमान, हम लोग जाके उनको गोलकुंडा PS के नॉलेज में रख के ला के यहाँ पर KS में ओल्ड एज होम में रखा है। हमको देख रहे, उनसे गुजारिश है, देखिए माँ वो खजाना है, जितना खर्चा करो वो बढ़ते जाती। आजकल माँ की, जैसे ही माँ की एज उम्र हो जा रही, रोड पे लोग को मरने के लिए छोड़ दे रहे। जो भी बच्चे हमको देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करें, अपने माँ की हिफाजत करिए। जिसके माँ नहीं है उनके दिल से पूछिए तकलीफ क्या होती। ये बेचारे अभी खुदकुशी कर लेते तो इसके जिम्मेदार कौन रहते थे? उन्होंने अपने को पाल पोस के बड़ा करते, वो भूखे रह के अपने को खाना खिलाते, एक टाइम वो खा के अपने को 3 टाइम खाना खिलाते। इनको 6 बच्चे और 3 बेटियां हैं बोल रहे हैं। इतने रहते पर इन्हों आज सुबह 10 बजे से इन्हों घर से बाहर है और कोई PS में कंप्लेन नहीं है। हर PS में 2-3 PSO में हम जाके मालूमात भी करें, इनकी कोई कंप्लेन नहीं है। इनका नाम क्या था मैडम? इनका नाम बदरुनिसा है और ये 55 से 60 साल है। कौन सा एरिया कुछ बताओ, लोग कहाँ रहते थे, क्या है, क्या नाम? उट्टापल्ली बोल रहे, कभी शाहीन नगर बोल रहे, कभी किशन बाग बोल रहे। वहाँ के कुछ लोग तो बोल रहे कि इन्हों खुदकुशी करने जा रहे थे और वो लोग पकड़ के इनको बिठा के रखे। बच्चे पैदा होते अगर माँ बाप अगर मार देते तो बच्चे आज नहीं बड़े होते थे। माँ बाप जैसे ही उनकी उम्र हो रही, बच्चे इनको रोड पे मरने के लिए छोड़ दे रहे। जो भी हमको देख रहे हैं इनसे रिक्वेस्ट है, अपने माँ बाप की हिफाजत करिए। अल्लाह।